नमस्कार दोस्तों, आओ सीखे चैनल में आपका स्वागत है। आज मैं मल्टी कलर का ये खूबसूरत सा डिज़ाइन लाए हूँ, जिसे आप किसी भी लेडीज़ प्रोजेक्ट में या फिर बच्चों के प्रोजेक्ट में डालेंगे, ये बहुत ही अच्छा लगेगा। आप इसे कैप में डालिए चाहे हैट में डालिए, ये बहुत ही अच्छा लगेगा। और देखिए कितना खूबसूरत है ये। फ्रेंड्स, यदि आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लें, ताकि यदि मैं कोई भी वीडियो डालूं तो वो सबसे पहले आपको मिले। यदि आपको ढेर सारे डिजाइन्स की आवश्यकता हो तो आप मेरे पुराने वीडियोस देख सकते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, हम डिज़ाइन बनाते हैं। इस डिज़ाइन को बनाने के लिए 5 के मल्टीपल फंदे चाहिए और 2 फंदा एक्स्ट्रा। मैं डिज़ाइन इसी के ऊपर बनाऊंगी, आप इसे पहली लाइन समझिएगा। पहले लाइन में हम बॉर्डर वाले रंग के उनसे ही सभी फंदों को सीधा बुन लेंगे। देखिए मैंने सीधा बुन लिया है। यदि आपको अपने प्रोजेक्ट में फंदे बढ़ाने हो तो आप इस लाइन में फंदे बढ़ा लीजिएगा। अब हम आ जाते हैं रॉन्ग साइड में और ये डिज़ाइन का दूसरा लाइन है। तो हम पहले फंदे को स्लिप करेंगे, ऊन को दूसरी ओर करेंगे और सभी फंदों को सीधा बुनेंगे। डिज़ाइन के दूसरे लाइन में हम सभी फंदों को सीधा बुनेंगे। तो मैंने सभी फंदों को सीधा बुन लिया। अब उन अपनी ओर करेंगे। लास्ट फंदा एज स्टिच है तो इसे हम उल्टा बुनेंगे। तो इस तरह हमारा 2 लाइन कंप्लीट होता है। तीसरी लाइन में हम अपना दूसरा कलर अटैच करेंगे और पहला फंदा सीधा बुनेंगे, दूसरे फंदे को स्लिप करेंगे, तीसरा फंदा सीधा, फिर स्लिप किया, फिर सीधा, फिर स्लिप किया। अब 5 फंदों को हम सिलाई में 2 बार ऊन लपेट के सीधा बुनेंगे। 1, 2, 3, एक बार लपेटा, एक बार और लपेटा, 4, एक बार लपेटा, एक बार और लपेटा, 5। तो पहला फंदा एज स्टिच है और इन्हीं 10 फंदों को हम पूरी सिलाई में दोहराएंगे। देखिए एक फंदा स्लिप किया, एक फंदा सीधा, स्लिप किया, फिर सीधा, 5 फंदे हुए। और फिर स्लिप किया, देखिए 3, 2, 5 और 5 फंदों को हम सिलाई में 2 बार ऊन लपेटते हुए सीधा बुनेंगे। 1, 2 बार लपेटा, सीधा बुन लिया, 2, एक बार लपेटा, एक बार और लपेटा, सीधा बुन लिया, 3, 4, 5। फिर हम अगले फंदे को स्लिप करेंगे, नेक्स्ट फंदे को सीधा बुनेंगे, फिर स्लिप करेंगे, फिर सीधा बुनेंगे, फिर स्लिप करेंगे। नेक्स्ट 5 फंदे को हम सिलाई में 2 बार ऊन लपेटते हुए सीधा बुनेंगे। स्लिप किया, फिर सीधा बुना, फिर स्लिप किया, फिर सीधा बुना, फिर स्लिप किया और लास्ट फंदा एज स्टिच है तो इसे हम सीधा बुन लेंगे। अब हम आ जाते हैं रॉन्ग साइड में। इस तरह हमारा ये तीसरा लाइन कंप्लीट होता है। अब हम आ जाते हैं रॉन्ग साइड में और ये डिज़ाइन का चौथा लाइन है। तो पहले फंदे को स्लिप कर लेंगे, दूसरा फंदा देखिए स्किप किया हुआ फंदा है तो इसे भी स्किप कर लेंगे। अब उन दूसरी ओर करेंगे और देखिए इस बुने हुए फंदे को हम सीधा बुनेंगे। उन अपनी ओर, अगले फंदे को स्किप करना है, नेक्स्ट फंदा सीधा, उन अपनी ओर, अगले फंदे को स्किप करना है। अब देखिए ये 5 फंदे लपेटे हुए हैं तो इसे हम खोल लेंगे। 5 फंदों को खोल लिया, फिर 5 को एक साथ लेते हुए एक बार उल्टा बुनेंगे, ऊन को सिलाई में चढ़ाकर वापस अपनी तरफ लाएंगे, फिर इन्हीं 5 को में एक बार और उल्टा थोड़ा सा खींचेंगे, ऊन सिलाई में चढ़ाकर वापस अपनी ओर लाएंगे, फिर इन्हीं में एक बार और उल्टा। तो हमने 5 से 5 फंदे बना लिए। अब इसे गिरा लेंगे। अगला फंदा देखिए ये दूसरे कलर का है, इसे स्लिप करेंगे, उन दूसरी ओर करेंगे, अगला फंदा सीधा, उन अपनी ओर, स्किप किए हुए फंदे को स्किप करेंगे, उन दूसरी ओर,
बुने हुए फंदे को सीधा बुनेंगे, उन अपनी ओर स्किप किए हुए फंदे को स्किप करेंगे। अब पांच लपेटे हुए फंदे आ गए तो इन्हें हम खोल लेंगे और पांचों को एक साथ लेंगे और इनसे हमें उल्टा बुनते हुए पांच फंदे बनाने हैं। एक हो गया, ऊन को सिलाई में चढ़ा के लाएंगे, दो, फिर तीन, चार, पांच। तो पांच से हमने पांच फंदे बना लिए। अब इसे गिरा देंगे। अब देखिए अगला फंदा, ये स्किप किया हुआ फंदा है, इसे वापस स्किप करेंगे, उन दूसरी ओर करेंगे और सीधा बुन लेंगे। उन अपनी ओर करेंगे, स्किप किए हुए फंदे को स्किप करेंगे, उन दूसरी ओर अगले फंदे को सीधा, उन अपनी ओर स्किप किया, पांच लपेटे हुए फंदे इसे खोलेंगे और पांचों को एक साथ लेते हुए एक उल्टा, फिर ऊन चढ़ाकर वापस अपनी ओर लाएंगे, फिर उल्टा बुना। तो देखिए तीन हो गए, ऊन चढ़ाकर वापस अपनी ओर लाएंगे चार, और फिर इसी में एक और उल्टा फंदा बना देंगे तो ये हो जाएगा पांच। अब इसे गिरा देंगे। स्लिप किया हुआ फंदा उन दूसरी ओर करेंगे, देखिए ये बुना हुआ फंदा है, इसे हम सीधा बुनेंगे, उन अपनी ओर करेंगे, स्लिप करेंगे, उन दूसरी ओर, अगले फंदे को सीधा बुनेंगे, उन अपनी ओर, स्किप किए हुए फंदे को स्किप करेंगे, लास्ट फंदा एज स्टिच है तो इसे हम उल्टा बुन लेंगे। अब हम आ जाते हैं सामने की तरफ और ये डिज़ाइन का पांचवा लाइन है। तो पांचवे लाइन में हम अपने प्राइमरी कलर से सभी फंदों को सीधा बुन लेंगे। पांचवा लाइन पहली लाइन की तरह होगा, सभी फंदे सीधे बुन लिए जाएंगे। तो देखिए सीधा बुनते हुए पांचवा लाइन कंप्लीट हो गया। अब हम आ जाएंगे रॉन्ग साइड में। पहले फंदे को हम स्लिप करेंगे, उनको दूसरी ओर करेंगे और लास्ट फंदे को छोड़कर शेष सभी फंदों को हम सीधा बुन लेंगे। तो सभी फंदे सीधे बुन लिए गए हैं। अब उन अपनी ओर करेंगे, लास्ट फंदा एज स्टिच है, इसे हम उल्टा बुनेंगे। तो ये हमारा छठा लाइन भी कंप्लीट हो गया। सातवें लाइन में हम अपने तीसरे कलर के ऊन को लेंगे, पहले फंदे को स्लिप करेंगे, अब पांच फंदे को सिलाई में दो बार ऊन लपेटते हुए सीधा बुनेंगे। अब जो ये डिज़ाइन है वो यहाँ पे आ जाएगा और ये वाला डिज़ाइन यहाँ पे आ जाएगा, यानी पांच फंदे को हम सिलाई में दो बार ऊन लपेटते हुए सीधा बुनेंगे, तीन, चार, पांच। अब देखिए अब इस पांच फंदों में पहले फंदे को स्लिप करेंगे, दूसरे फंदे को सीधा बुनेंगे, तीसरे को स्लिप करेंगे, चौथे को सीधा और पांचवें को स्लिप करेंगे। तो पहला फंदा एज स्टिच है और इन्हीं दसों फंदों को हमें पूरी सिलाई में दोहराना है। पांच फंदे को हम सिलाई में दो बार ऊन लपेटते हुए सीधा बुनेंगे। पांच फंदों में पहले को स्लिप करेंगे, दूसरे को सीधा, तीसरे को स्लिप करेंगे, चौथे को सीधा और पांचवे को स्लिप करेंगे। तो इन्हीं दसों फंदों को हम पूरी सिलाई में दोहराएंगे। देखिए लास्ट में छह फंदे बचे हैं। तो पांच फंदों को सिलाई में दो बार ऊन लपेटते हुए सीधा, लास्ट फंदा एज स्टिच है तो इसको हम स्लिप कर लेंगे। ये डिजाइन का आठवां लाइन है और रॉन्ग साइड। तो पहले फंदे को देखिए इसे स्लिप कर लेंगे और लपेटे हुए पांच फंदों को खोलेंगे, पांचों को एक साथ लेते हुए पांच उल्टे फंदे बनाएंगे, एक, ऊन चढ़ाकर वापस अपनी तरफ लाएंगे, दो, तीन, चार, पांच। नेक्स्ट पांच फंदों में पहले फंदे को स्लिप करेंगे, दूसरे को सीधा बुनेंगे, उन अपनी ओर, तीसरे को स्लिप करेंगे, उन दूसरी ओर, चौथे को सीधा, उन अपनी ओर, पांचवे को स्लिप करेंगे। तो
पहला फंदा एज स्टिच है और इन्हीं 10 फंदों को हमें पूरी सिलाई में दोहराना है। 5 लपेटे हुए फंदों को खोलना है, 5ों को एक साथ लेते हुए उल्टा बुनते हुए 5 से 5 फंदे बनाना है। 1 उन चढ़ा के वापस अपनी तरफ लाया, 2 3 4 5। नेक्स्ट 5 फंदों में पहले को स्लिप करेंगे, उन दूसरी ओर, दूसरे को सीधा, उन अपनी ओर, तीसरे को स्लिप करेंगे, उन दूसरी ओर, चौथे को सीधा, उन अपनी ओर, पांचवे को स्लिप करेंगे। लास्ट फंदे को स्लिप कर लेंगे तो हमारा 8 लाइन का डिज़ाइन यहाँ कंप्लीट होता है। अब 9th रो में हम अपने पहले लाइन को दोहराएंगे, यानी अपने प्राइमरी कलर से सभी फंदों को सीधा बुन लेंगे। तो 8 लाइन का ये रिपीटेड डिज़ाइन है और इन्हीं 8 लाइनों को हमें दोहराना है। तो देखिए फ्रेंड्स, डिज़ाइन बनके तैयार है। सामने से ये ऐसा दिखाई दे रहा है और पीछे से ऐसा। तो फ्रेंड्स, डिज़ाइन आपके सामने है। आशा है आपको पसंद आया होगा। तो यदि आपको मेरा ये डिज़ाइन अच्छा लगा हो तो कृपया इसे लाइक करें, अपने फ्रेंड्स और फैमिली में शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।